हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपके लिए फिल्म जगत की तमाम अहम खबरें। दोस्तों है तो इन दिनों लॉकडाउन भाई, क्योंकि कोरोना काल इस समय चल रहा है और हर कोई अपने इस लॉकडाउन पीरियड को अपने अपने तरीके से इंजॉय कर रहा है। खासतौर से कहा जाए कि अगर टाइम स्पेंड करने के लिए, समय काटने के लिए कोई सीरीज का सहारा ले रहा है, कोई पुरानी फिल्मों को देख रहा है, कोई सीरियल्स में वक्त बिता रहा है या फिर अदर एक्टिविटीज़ में वो अपना टाइम स्पेंड करता है। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो जो पुरानी फिल्में हैं वो तो सदाबहार होती ही हैं, उसमें तो लोग अपना बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों लोग ठहाके लगाते हुए भी नजर आते हैं, वो भी उन फिल्मों को जो बीते दिनों की बात हो गई है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ कॉमेडी सीन्स हम आपके लिए लेकर आए हैं उन तमाम फिल्मों से जो आपकी भी बेहद पसंदीदा रही होंगी। तो आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में ऐसे ही तमाम वीडियोज दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक एन एन बॉलीवुड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि इसी तरह के कई आप रोमांचक, कई कॉमेडी या फिर ये कहा जाए फिल्म जगत की तमाम अहम खबरें पा सकते हैं बिल्कुल समय पर। तो आइए शुरू करते हैं खास पेशकश। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर विजय राज की। विजय राज जब कॉमेडी करते हैं तो उनके अभिनय को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म रन में विजय राज ने कॉमेडी एक्ट में सबको हंसने पर मजबूर कर दिया था। फिल्म में विजय राज ने अभिषेक बच्चन के दोस्त का किरदार निभाया था। अब बात उस सीन की जिसमें विजय अपने दोस्त से मिलने दिल्ली आते हैं। विजय राज जब दिल्ली आते हैं तो सबसे पहले उनका बैग चोरी हो जाता है और फिर वो अपने दोस्त तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें भूख लगती है और वो 5 रुपए वाली बिरयानी खाते हैं और फिर उसके बाद उनके मुंह से कौवे की आवाज आने लगती है। इस सीन को देखने के बाद आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। इसके बाद आता है इसी फिल्म का दूसरा सीन जिसमें एक व्यक्ति विजय राज को छोटी गंगा बताकर नाले में कूदा देता है और उनके कपड़े भी चुरा लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्त को ऐसे ही रैंडम नंबर मिलाकर फोन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फोन करते हैं जो 90 साल के हैं और उनकी मौत हो चुकी होती है। इस पर विजय कहते हैं कि 1 महीने पहले इलाहाबाद से चला था तो 30 का था, एक ही महीने में 90 साल का हो गया। ये सब उनके डायलॉग सुनकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। इस फिल्म का एक और सीन जिसमें विजय नेता के लिए रैली में नारे लगा रहे होते हैं, तो उन्हें उनका दोस्त सिद्धू यानी अभिषेक बच्चन मिलता है और उसे अपना दुख सुनाने के चक्कर में उसके घर का एड्रेस नहीं पूछ पाता और उसका दोस्त वहां से चला जाता है। अब बात करते हैं फिल्म भूल भुलैया की। इस फिल्म के कई सीन्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे। इस फिल्म के एक सीन में राजपाल यादव खुद लाल सिंदूर पूरे शरीर पर लगाए हुए होते हैं। अक्षय कुमार से वो बात करते हुए नजर आते हैं। वो अपने आप को सही करने का उपाय अक्षय से पूछते हैं। यकीन मानिए, फिल्म का ये सीन आपके चेहरे पर भी हंसी ला देगा। वहीं फिल्म चुपके चुपके में भी राजपाल यादव ने अपनी कॉमेडी से लोगों को जमकर हंसाया। इस फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति गुजराती भाषा में सभी को खाना खाने के लिए कहता है, तो राजपाल यादव उसका दूसरा मतलब समझ लेते हैं और खाना खाने से वो मना कर देते हैं। इस सीन को देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। हम आपके साथ इन कॉमेडी सीन्स की वीडियो तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी वेबसाइट newstate.com की लिंक पर क्लिक करके खबर के साथ इन मजेदार कॉमेडी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने आज का ये एपिसोड ज़रूर इंजॉय किया होगा और आपकी भी हंसी नहीं रुकी होगी। आपको हमारी खास पेशकश कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर। और अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है एन एन बॉलीवुड तो जल्दी से कर लीजिए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। गुड बाय एंड टेक केयर।